ब्राह्मण धर्मशाला सेक्टर 8 करनाल में पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी सुभाष शर्मा द्वारा लिखी गई संघर्ष गवाह है नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस अवसर पर यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण द्वारा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की गई। पुस्तक का विमोचन करने के उपरांत घरौंडा के विधायक हरविंद्र कल्याण ने कहा कि सुभाष शर्मा अपने समय में एक ईमानदार अधिकारी थे। उन्होंने इस पुस्तक में अपने समय के अनुभव साझा किए हैं, क्योंकि जब एक अनुभवी और ईमानदार अधिकारी किसी पुस्तक में अपने विचार संजोता है तो उस पुस्तक का लाभ हर वर्ग को मिलता है। सुभाष शर्मा ने पुलिस विभाग में काफी अरसे तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में पुलिस विभाग में नौकरी करते वक्त जो चुनौतियां सामने आई उनका वर्णन किया गया है। उन चुनौतियों को बिना भय और ईमानदारी से कैसे निभाया जा सकता है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के माध्यम से भ्रष्टाचार मिटाने, जात पात का भेदभाव मिटाने के लिए उनके द्वारा अपने विचार साझा किए गए हैं, ताकि इस पुस्तक का लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। कार्यक्रम में पहुंचने पर घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण का फूल मालाएं पहनाकर एवं बुके देकर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण सभा से जुड़े बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। शर्मा जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय से इनका नाम हमेशा सुनते आए हैं और एक बहुत अच्छे अधिकारी के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदेश में जो प्रदान की हैं, और ऐसा अधिकारी, एक अच्छे अधिकारी, एक ईमानदार अधिकारी जब अपने जीवन के अनुभव साझा करते हैं समाज से एक पुस्तक के माध्यम से, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही पुण्य का काम ये होता है, क्योंकि किताब से अच्छा मित्र कोई हो नहीं सकता। और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ज्ञान अर्जित करेंगे, मैं समझता हूँ कि जीवन में क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। और ऐसे व्यवहारिक जो भी उनके जीवन में कोई दिक्कतें उनको आई होंगी, वो सब अनुभव उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से साझा किए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक पढ़कर सभी को एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं सुभाष शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई इस अवसर पर देना चाहूँगा कि जब भी कोई अधिकारी या कोई वैसे आम पब्लिक का भी कम्युनल फीलिंग्स, ओवर अटैचमेंट ऑफ मटीरियल थिंग्स, सुपरस्टिशंस, जिसमें मैं खुद भी शामिल रहा, जब से हम इस फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस हुए तो कोई ना कोई मुसीबत में पड़े, और जब हमने ईमानदारी और विदाउट अटैचमेंट और भय से काम किया, बड़े से बड़े काम में भी कोई मुसीबत नहीं आई, और सरकार और सीनियर अफसर्स ने और पब्लिक ने भी, खास तौर से जनरल पब्लिक ने पूरी सपोर्ट की। इसी में यही मेरा भाव है कि अंधविश्वास, कास्टिज्म सिस्टम के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये था। बहुत से क्षण ऐसे भी, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।